कुंडा विधायक राजा भैया की 7 साल को हेरिटेज साइट बनवाएंगे सीएम योगी। बस्ती राजभवन को हेरिटेज साइट के तौर पर स्थापित करने के लिए शासन प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों और नगर पालिका की टीम ने राजभवन परिसर का दौरा किया। मौके का मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की गई। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीएम बस्ती से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 फरवरी 2023 को बस्ती राजभवन आए थे, जहां पर राजभवन में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान राजमाता आसिमा सिंह ने भवन को हेरिटेज साइट के तौर पर विकसित कराने का प्रस्ताव सीएम के समक्ष रखा। इस पर सीएम ने डीएम के बस्ती से मौके की पैरामाइज करने अतिक्रमण हटाते हुए प्रस्ताव मांगा था। सीएम कार्यालय से राजभवन के तालाब के अतिक्रमण पैमाइस व साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई। डीएम बस्ती ने एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे और ईओ नगर पालिका परिषद दुर्गेश्वर त्रिपाठी को टीम के साथ मौके की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। दोनों अधिकारियों के साथ राजस्व निरीक्षक की टीम राजभवन पहुंची। आपको बता दें कि कुंडा के विधायक राजा भैया की 7 साल को अब हेरिटेज साइट बनवाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।